दिल्ली में सड़क हादसे में सेना जवान की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव मुंगेर के नया रामनगर थाना क्षेत्र के हरदियाबाद, जहां ग्रामीणों ने भारत माता की जयकारे के नारे लगाए और वहीं पुलिस जवानों ने शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी, जिसके बाद मुंगेर गंगा घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। दरअसल दिल्ली में कार्यरत आर्मी जवान चंदन कुमार की 29 मई को सड़क हादसे में मौत हो गई थी और आज उनका पार्थिव शरीर मुंगेर के नया रामनगर थाना क्षेत्र के हरदियाबाद पहुंचा, जहां पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचते ही लोगों की आंखें गमगीन हो गई तो वहीं एक और परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं वीर सपूतों के शहीद होने की खबर मिलते ही मुंगेर विधायक सहित कई राजनीतिक पार्टी के नेता और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचकर जवान की एक झलक पाने को लालायित थे तो लोग जवानों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इनकी दो बेटी हैं और मृत जवान 5 भाई थे, जिसमें से 2 भाई देश की सेवा करने के लिए आर्मी में हैं। और वहीं जवानों की अंतिम यात्रा में ग्रामीणों के द्वारा बड़े धूमधाम से यात्रा निकाली गई। वहीं इस मौके पर लोगों ने कहा कि वीर सपूत को खोने का गम है तो वहीं या गौरवान्वित क्षण भी है। सबकी जुबान पर एक ही शब्द है, जाने वाले हो सके तो लौट के आ जा। और वहीं नम आंखों से श्रद्धांजलि दिया और लोगों ने भारत माता के जय घोष के नारे लगाए। वहीं स्थानीय सरपंच विंदेश्वरी यादव ने कहा कि जहां एक वीर सपूत को खोने का गम है पर एक गर्व भी है। हाँ, मुंगेर ने एक सपूत खोया, गौरवान्वित क्षण है मुंगेर के लिए, लेकिन बहुत मार्मिक, निशब्द है, हर चेहरा रो रहा है, सबकी जुबान पर बस यही है कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। संभव नहीं है यह, लेकिन यह जो हृदय विदारक क्षण है, इसके बावजूद इस हरदियाबाद प्रांत के लोग, मुंगेर जिला के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि मेरा, हमने एक भाई खोया, एक साथी खोया, एक बेटा खोया, लेकिन देश के रक्षार्थ खोया। पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुंगेर, पंचायत के सरपंच हैं और अभी तो पार्थिव शरीर आया है और जो इसके डिपार्टमेंट के जो आदमी है वहाँ से चल चुका, आने के बाद उसके बाद सलामी लेने के बाद यहाँ से पार्थिव शरीर लिया जाएगा। तो कैसा माहौल है आज यहाँ पे? गमगीन है, समूचा पंचायत गमगीन है। एक मैंने हमारे पंचायत का, एक ग्रामीण हरदियाबाद का, एक सपूत, मैंने सबको यही के खो दिए हैं। मतलब था, बहुत सीधा था, बहुत जेंटिल, कोई मतलब दुनिया से नहीं था, चुपचाप अपना काम सा, ड्यूटी से घर में रहना था, घर से जाके इतना, किसी से कोई मतलब नहीं। कितने बाल बच्चे थे इनके साथ? दो लड़की है, एक 5 वर्ष की है, दूसरा जो है 2 वर्ष। 2 वर्ष। क्या नाम है आपका? बिंदेसी यादव, जानकीनगर पंचायत सरपंच। जो अभी जो एक्सीडेंटल मौत हुई है, ये सबसे छोटा भाई है, 2 भाई बचा है। बड़ा भाई हम लोग प्यार से उसको काजो यादव कहते हैं, वो रेलवे में है और मांझिल जो है वो आपका रेल फौज में है, वो भी आर्मी में। कब ज्वाइन किए थे? 13 में ज्वाइन किए थे। कौन आर्मी में, कहाँ पढ़ते थे? ये आर्मी में 13 में ज्वाइन किए थे और दिल्ली में भी ये पोस्टेड। क्या सूचना क्या मिली थी? हम लोग को सूचना परसों 8 बजे मिला कि जो है शहीद हो गए। फिर बाद में पता चला कि भाई कोई पदाधिकारी था आर्मी का, जो इनको शायद पानी लाने के लिए कहा था और पानी लेकर के जो है जा रहे थे कैंप, और किसी पेड़ से टकरा कर क्षतिग्रस्त हुआ, उसी में इनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद उर्फ अनिल कुमार यादव, घर हरदियाबाद।